नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि आप सबको पता है, साधु संतों की सीरीज लेकर शुरू हो चुका हूं और आपको हर जगह कोशिश करता हूं महात्माओं को आपको दर्शन करवाने की, महात्माओं को आपको आशीर्वाद दिलाने की। लेकिन किस लोगों का कहना है, आपको तो सीधे आश्रम में महात्मा मिल जाता है, लेकिन आज मैं अपनी छोटी सी जर्नी के बारे में बारीकी से जानकारी दूंगा किस प्रकार मैं महात्माओं की तलाश करता हूं। एक बार मैं आपको छोटा सा बता रहा हूँ, कैमरामैन से निवेदन करके एक बार आप देख पा रहे हो, हालांकि हम 2 किलोमीटर चल पाए पैदल, फिर भी हमारे चारों तरफ कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, जैसे आप देख पा रहे हो। और इस तरफ भी दिखा देना, चारों तरफ देखोगे कुछ नहीं दिखाई देगा आपको, घूम जाओ आराम से। और आगे भी मैं चलता रहूंगा और कितना चलना है वो पता नहीं, साधुओं की तलाश है और कोशिश करूंगा आपके सवाल सभी के लेने की। अभी हम आगे चलते हैं, उसके बाद आपको दर्शन दिखाते हैं। दोस्तों, हालांकि इन चलते चलते मैं थोड़ा सा थक चुका हूँ, हमें लगता होगा आपको, थोड़ा सा ये बता देता हूँ, इस पहाड़ी एरिया में कहीं खाने की होटल भी नहीं मिल पाती, कहीं कहीं ऐसा हालात होते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं हम फिर भी। जब भी एक कार हमारे पास है और उसमें हम थोड़ा बिस्कुट नमकीन रखते हैं, उनसे हम अपना गुजारा करते हैं। अगर इस्तीफाक से हमें कोई शहर या मिल जाता है या बड़ा गाँव, तो हम वहाँ पर कुछ भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं, और कहीं कहीं हमें आश्रमों में भी प्रसाद ग्रहण करने का मौका मिलता है, वो भी हम करते हैं। लेकिन इस सीरीज़ की मैं छोटी सी कड़ी बताई आपको, मेहनत बताई मैंने किस प्रकार कर रहा हूँ, इसके बारे में आपको क्या कहना है कमेंट कर देना। और मेरी साधु संतों की जो सीरीज़ अगर आपने नहीं देखी, इस वीडियो मैंने कोई सीरीज़ नहीं बनाई, बस ये 1 मिनट का वीडियो बनाया जिसमें आपको मैंने बताया कि मैं किस प्रकार कर रहा हूँ। अगर पसंद आ रही है तो हमारी पूरी सीरीज़ देखिए, और मेरे द्वारा मेहनत की गई वो आपको किस प्रकार की लग रही है वो जरूर बताना। तब तक क्या कहूँ, अगली सीरीज कड़ी तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय गंगा मैया, जय गुरुदेव। नमस्कार दोस्तों, देख लीजिए आपके लिए मैं यहाँ पर जहाँ टाइम मिलता है वहाँ मैं एडिटिंग कर रहा हूँ, अगर समझा करो इस बात को और मेरी मेहनत को।